एवरीवन, दिस इज डॉली योर फ्रेंड, योर होस्ट एंड वेलकम टू डिजाइन एंड क्रिएटिविटी चैनल। आज का इसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ, वो भी हम साड़ी का यूज करके बनाने वाले हैं। बट डायरेक्टली साड़ी के ऊपर ट्यूटोरियल लेने से बेटर मुझे लगा कि मैं आपको एक बार इसे न्यूज पेपर के ऊपर बना के और समझाऊँ कि आपको एक्चुअल में पैटर्न किस तरह से बनाना है। तो ये मेरे पास में न्यूज पेपर का एक टुकड़ा है। अब हम इसको मान लेंगे कि ये हमारी साड़ी है। तो ये हमारी साड़ी की जो टोटल लेंथ होती है, तो ये पूरी हमारी साड़ी है और ये साड़ी की जो विड्थ होती है वो ये विड्थ है। ओके गाइस, सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये हमारी साड़ी की टोटल लेंथ है और ये हमारी साड़ी की विड्थ है। अब हमको क्या करना है, अब हम इस कपड़े को एक तरफ से फ्री हैंड, ये हमारा पल्लू वाला साइड है, हमको पल्लू वाला साइड नहीं लेना है। जहाँ से हम साड़ी बांधना शुरू करते हैं हमें वो वाला साइड लेना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमको फ्री हैंड फोल्ड करना है। अभी हमारा इसमें मेजरमेंट का कुछ भी नहीं है कि हमें कितना मेजर करना है, कितना फोल्ड करना है। अभी जस्ट हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे एक जगह और हम रुक जाएंगे। अब हम इसको सेकंड फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमने लिया है ये हमारे लिए प्रॉपर है या नहीं है, कि हमें इसे कम करना है या हमें इसे और आगे बढ़ाना है। सो नाउ गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं साड़ी और पेटीकोट का यूज़ करके आपको ये ट्यूटोरियल दे रही हूँ। जैसे कि हम एक वेस्टर्न ड्रेस बनाने वाले हैं तो इसमें हम कोई कुर्ते का मेजरमेंट नहीं लेंगे, हमें इसमें कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं चाहिए। तो दिस इज़ जस्ट कि ये मान लीजिए कि ये मेरा पेटीकोट है। ओके, देखिए इसका शेप बिल्कुल पेटीकोट जैसा है, ये मैंने पेटीकोट मान लिया है। अब आपका जो पेटीकोट है आप उसको इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद में आपने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है, जो साड़ी फोल्ड करी है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास चार फोल्ड है, एक दो तीन और चार। अब आप इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब रखने के बाद में आपको ये चेक करना है गाइस, इस तरह से आप चेक कर रखेंगे और जहाँ ओपन है वहाँ से नहीं रखेंगे, जहाँ से ये फोल्डेड है वहाँ रखेंगे और इसको यहाँ ऊपर से इस तरह से रख के अब आप देखिए कि क्या कपड़ा सफिशियंट है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा सफिशियंट है। जब आपके पास ये वाला मेजरमेंट आ जाए तब आप चौक का यूज़ करके और कपड़े के ऊपर इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। ओके, और ये मार्किंग करने के बाद में हम कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास में साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास में इस तरह से साड़ी के दो पीसेस मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब हम जो हमारा ये जो टॉप वाला पार्ट है, इस टॉप वाले पार्ट को हम इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे दोनों में, जो आगे पीछे दोनों का कपड़ा रहेगा इसमें दोनों में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी ऐसे फोल्ड करके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये करीब आपको एक इंच लेना है, जिसमें हम या तो बेल्ट बना के डाल सकते हैं या हम कोई फैंसी नाड़ी हम इसमें डाल सकते हैं, फैंसी जो आती हैं रिबन्स बनी हुई वो हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नेक पार्ट रहेगा। और इसी के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करीब 9 से 10 इंच आपको छोड़ना होगा। ये आपका आर्म होल, आर्म होल तो इसमें रहेगा नहीं, ओपन रहेगा, बट आपको इसमें आर्म के लिए इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो आपको दोनों तरफ से करीब 9 से 10 इंच आपको छोड़ना होगा और उसके बाद में पहले आप इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, सिर्फ आप इतनी इतनी सिलाई लगाएंगे। ओके, यहाँ आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतनी इतनी सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस आप इसमें भी दोहराएंगे। आप इसको यहाँ से जो 10 इंच मार्क हमने लिया है वहाँ तक आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और उसके बाद में आप इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, और फिर हम, ये रॉन्ग साइड है कपड़े का और ये राइट साइड है कपड़े का, हम रॉन्ग साइड को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम रॉन्ग साइड को अप रख के इस तरह से और हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई कर लेंगे। जैसे कि अब मैं आपको कपड़े पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने अभी इसकी रफ सिलाई करी है आपको बताने के लिए, अभी इसकी पक्की सिलाई नहीं हुई है। ये देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है, ये हमारा टॉप पार्ट है, हॉल्टर नेक जो बनेगा हमारे गले में जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको एक इंच हमने फोल्ड किया है और यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। और इसी तरह साइड में जो मैंने आपको बताया कि आपको करीब 10 इंच
9 से 10 इंच आपको लेके, और ये देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके आपको इसमें सिलाई लगानी है सिर्फ यहाँ तक, और उसके बाद में आपको इन दोनों कपड़ों को जोड़ के और यहाँ से लेके और पूरा नीचे तक आपको सिलाई लगा लेनी। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें फैंसी डोरी डाली है। आप चाहें तो इसी कपड़े की रिबिन बना के या पाइपिंग बना के या नाड़ी या वॉट एवर आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप इसमें इलास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। इस ड्रेस की खासियत गाइस एक तो ये है, पहली चीज़ कि इसमें किसी पर्टिकुलर पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई आनी ही चाहिए, और दूसरी बात ये है कि गले की जो डेप्थ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप नाड़ी को इस तरीके से, आप ये जो हमारी जो डोरी है इसको आप, ये हमारे शोल्डर पे आएगी ये डोरी, और ये डोरी हमारे दूसरे शोल्डर पे आएगी। तो जब आप इसको पास में बांधेंगे तो ये नेक छोटा बनेगा, और अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और लूज़ कर दीजिए तो ये डीप नेक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसके गले की विड्थ कितनी चाहिए वो भी आप खुद ही अपने हिसाब से रख सकते हैं। सपोज़ आपको ज़्यादा शोल्डर, ज़्यादा आर्म्स, ज़्यादा शोल्डर आपको नहीं दिखाने तो आप इसको इतना दूर दूर फैला के रख सकते हैं, और कभी फॉर अ चेंज अगर आपको डीप हॉल्टर नेक चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो गाइस ये है बहुत ही सिंपल तरीका बनाने का। अब आइए देखते हैं कि हम इस साड़ी के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं और बनने के बाद में ये कैसी लगती है। ओके सो लेट्स फॉलो मी। ओके use is, this is one of my petticoat and I'm going to use it to set the mark. So put it like this. तो इधर आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ नहीं रखना है जहाँ पर खुला हुआ है, जिधर ये बंद हिस्सा है उस तरफ आपको इसको रखना है। एंड देन यू हैव टू यूज, आपको अपनी चॉक का यूज करते हुए, और हम इसे थोड़ा ढेर ज़्यादा लेंगे इसका, तो हम यहाँ से ही इसकी शुरुआत करेंगे और आप इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। ओके अब हम इस मार्किंग को कट कर लेंगे। Thank you.
And now what we have is this shape. और अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. Now what I'm going to do is ये इस तरह का दिखाई दे रहा है कुछ. अब हमको जब इसकी सिलाई करनी है तो हम इसके दोनों रॉन्ग साइड को हम ऊपर रखेंगे और राइट साइड को अंदर रखेंगे. तो ये आप इसको ऐसे कर लेंगे. ये देखिए अभी सिलाई करते वक्त ये रॉन्ग साइड है, ये ऊपर है और राइट साइड जो है वो अंदर है. अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप ऐसे एक फोल्ड करके और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे. देखिए इस तरह से. और सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है. इसको आपको पहले एक फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर इसको आपको ऐसे फोल्ड करके और इसको दूसरा फोल्ड करना है. इस तरह से सिलाई करनी है. इसमें हम हमारी डोरी डालेंगे. और ये जो साइड है ये साइड आपका पूरा यहाँ से आप सिलना शुरू करेंगे. इस जगह से आप यहाँ से सिलते हुए लाएंगे और यहाँ लाके आपको यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी है. ये आपके आर्म्स में ये वाला जो पोर्शन है वो बनेगा. अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा लगता है. ओके okay?